और यहाँ आपको बताएं, जनूबी वजीरिस्तान में क्रैकवुड रोड पर पुलिस वैन पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में 12 अफराद जख्मी, कुछ की हालत तश्वीशनाक। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में आम शहरी और पुलिस एहलकार शामिल। दूसरी जानब पेशावर में तबाही फैलाने का मंसूबा नाकाम। जमील चौक के इलाके में मोटरसाइकिल सवार से खुदकुश जैकेट फेंक कर फरार। एक्साइज पुलिस के मुताबिक रिंग रोड के करीब जमील चौक के इलाके में एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया, जिस पर मोटरसाइकिल सवार खुदकुश जैकेट फेंक कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक बम डिस्पोजल यूनिट की मदद से जैकेट को नकारा बना दिया गया। जैकेट में 6 से 7 किलोग्राम बारूदी मवाद था। मोटरसाइकिल अफराद की तलाश जारी। और यहाँ आपको बताएं, जनूबी वजीरिस्तान में क्रैकवुड रोड पर पुलिस वैन पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में 12 अफराद जख्मी, कुछ की हालत तश्वीशनाक। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में आम शहरी और पुलिस एहलकार शामिल। दूसरी जानब पेशावर में तबाही फैलाने का मंसूबा नाकाम। जमील चौक के इलाके में मोटरसाइकिल सवार से खुदकुश जैकेट फेंक कर फरार। एक्साइज पुलिस के मुताबिक रिंग रोड के करीब जमील चौक के इलाके में एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया, जिस पर मोटरसाइकिल सवार खुदकुश जैकेट फेंक कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक बम डिस्पोजल यूनिट की मदद से जैकेट को नकारा बना दिया गया। जैकेट में 6 से 7 किलोग्राम बारूदी मवाद था। मोटरसाइकिल अफराद की तलाश जारी।